हेलो फ्रेंड्स, यह ललित राय फ्रॉम राय पिजन सप्लाइज। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ परचेस के बारे में बताना जा रहा हूं, जो कि हमारे पे दो तरह के परचेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, विथ वुड और विदाउट वुड। मुझे सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आती है कि इसमें फ़र्क क्या है, और वो सोचते हैं कि विदाउट वुड थोड़ा लो क्वालिटी होगा, विथ वुड थोड़ा अच्छी क्वालिटी होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोनों एक ही मटेरियल है, एक ही प्लास्टिक के बने हुए हैं, वर्जिन प्लास्टिक के, और इनमें कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो ओनली जहाँ पिजन्स का फुट रहेगा, वहाँ एक में वुड है टॉप पे और एक विदाउट वुड है। लेकिन जो विदाउट वुड है, आप इसको इस तरह के से ना लीजिए कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये भी एंटी स्किट है, मीन्स स्लिपरी नहीं है इसका बिल्कुल भी बेस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर क्रॉस क्रॉस ग्रिप दे रखी है, जिससे पिजन्स के फुट उस जगह ही रहें जहां वो रखें, उनको किसी भी तरह से स्लिपरी मोड स्लिपरी फील ना हो उनके पंजों को, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इनमें लकड़ी लगी हुई है, ठीक है, दोनों में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा था बस कि दोनों सेम है, किसी भी तरीके का मटेरियल साइज कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बस फुट का डिफरेंस है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ उसमें मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो इसमें भी दो तरह के मॉडल्स अवेलेबल हैं, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। दोनों ही बेस्ट हैं पिजन्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में कोई डिफरेंस हो किसी भी तरीके का, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दोनों ही सेम है, इसमें ये होल्स इनके ब्लॉक हैं जहाँ पींच लगेंगे, और इसमें नीचे से पींच दे रखे हैं, ठीक है, जिससे ये आपकी वुड इस पे टॉप पे रुकी हुई है, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें हल्की सी वुड इसके नीचे है अंदर, क्योंकि इसमें एक कॉलर सी दे रखी है चारों तरफ, जिससे कि लकड़ी एकदम इस पे सेट हो जाए, ठीक है। तो दोनों ही सेम है, मैं तो दोनों ही प्रेफर करता हूँ, बस चॉइस आपकी है, कोई भी बुरा और अच्छा नहीं कह सकते। दोनों का साइज, मटेरियल, मेड वर्जिन प्लास्टिक सब सेम है, कोई भी कहीं से कहीं तक का कोई डिफरेंस नहीं है, आप चाहे कोई सा भी उठा सकते हैं, और इस ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा लें, तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी लें आप, कोई भी किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि वुड वाला हल्का सा 5-10 रुपए महंगा होता है नॉर्मल वाले से, बस इतना फ़र्क है, क्योंकि उसके अंदर वुड की कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है, और कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। ओके, थैंक यू।